बसपल रमनि कनाबो व या, कना या कनस्ताइन ये दूसरी दफा मैं गिलगित बल्तिस्तान उस मौके पे आया हूं जो एक खुशी का मौका है कि जिधर तिहत्तर साल पहले यहाँ के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी दे के गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाया बनाने आ, आया हूँ और इन जब तक मैं वजीर आजम रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है फर्स्ट नवम्बर ये मैं आपके साथ गुजार हूं मैं गिलगित पंद्रह साल की उम्र पे पहली दफा आया तब ये काराकुरम हाईवे बन रहा था मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब पंद्रह साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान यह हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता लेकिन जब भी मौका मिला तो इन शाह यहां फिर से आऊंगा ट्रैकिंग करने के लिए खौतिन हजरा आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोदा को जिन्होंने कुर्बानियां देके इस इलाके को आजाद करवाया दूसरा मैंने आ, आज गिलगत बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रुविज, प्रोवेंशियल स्टेटस देना है जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन हैं, उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं अब जहां तक पैकेज uh, की बात की और डेवलपमेंट की वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी खास तौर पर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए जो हमारे गरीब हैं जो जो पीछे रह गए हैं जो 25 फीसद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आए और दूसरी जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए हैं जिस तरह गिलकित बल्तिस्तान पीछे रह गया है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था जब तक कि काराकुरम हाईवे नहीं बना इधर शायद ही कोई आता था, था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी तो इसलिए यह पीछे रह गया है लेकिन हमारा कबाई इलाका भी पीछे रह गया है बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के अंदरून सिंध वो पीछे रह गए हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए और जो फिर से मैंने कहा जो हमारा कमजोर तबका जो गरीब लोग जो इस वक्त दो वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते उनको ऊपर उठाया जाए तो इनशाला आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे कि हम जिस तरफ जा रहे हैं हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो जाएगा ही उस तरफ उन इलाकों में जो पीछे रह गए मैं क्योंकि आज मेरे फौजी भी सामने खड़े हैं जवान साहब ने खड़े हैं मैं सारी अपनी कौम को अहमियत बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है एक मजबूत फौज की एक मजबूत फौज का होना पाकिस्तान के लिए यह मैं अपनी सारी कौम को भी बताना चाहता हूं आज आप सारी मुसलमान दुनिया में देखें शुरू करें लिबिया से फिर सोमालिया पे जाए फिर सीरिया जाए फिर यमन जाए फिर अफगानिस्तान को देखें फिर इराक को देखें तबाही मची हुई है या जंगें हो चुकी हैं या हो रही हैं लेकिन आवाम मुश्किल में है मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग और उसके बाद ये देखें कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हिमसाया है हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले तिहत्तर साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली जो वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हैं जो दो उन्होंने कानून बनाए सिटीजन सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन सिटीजन रजिस्ट्रेशन लॉ ये है ही मुसलमानों की तरफ कि उनको एक बराबर का शहरी हिंदुस्तान में ना समझा जाए और जो उन्होंने कश्मीर में किया पांच अगस्त 2019 को किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों ने लोगों से जो इस इंतहा पसंद रेसिस्ट टोटालिटेरियन जो रेशल सुप्रीमसी में बिलीव करती है बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती हिंदुत्ता का जो नारा लेके आई है उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ तो उस तनाजर में देखना चाहिए कि कितनी जरूरत है आज हमें एक मजबूत पाकिस्तान की फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते पुराने कबाली इलाका जो मज डिस्ट्रिक्ट हैं। आप उधर से लेके आप बलूचिस्तान, कराची में भी कभी कभी एक पूरा प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की जा रही है और कौन इनके सामने खड़ा है हमारे फौजी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी जान की कुर्बानियां देती है और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं कि जो पिछले पंद्रह साल में जिस तरह की जिस तरह की पंद्रह साल में दहशत गर्दी पाकिस्तान में हुई और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है और इनकी वजह से इनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा वो हाल नहीं है जो कई और मुसलमान मुल्कों का हाल है और हमें यह भी पता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है ये हर किस्म का अंदर इंतजार सिर्फ दहशत गर्दी के जरिए नहीं जो इनका कलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशत गर्दी करने की यह अंदर और इंतजार फैला रहे हैं शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतजार फैले और वो भी हम मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके जो इनके प्रोग्राम थे इंतजार फैलाने के वो पाश पाश किए मैं आज जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो एक पूरा एक आज आजकल के दिनों में एक पूरा प्लान बना हुआ है हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं सियासतदान कहते हैं वो पूरी तरह आज हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर उन्होंने पूरा डिस्क्रेडिट करने का उ, उनको प्रोग्राम बनाया हुआ है लेकिन ये क्यों है ये आज सब मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है मेरा जो पहला जब मैं वजीर आजम बना तो जो मेरा पहला खिताब था अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने दो खास तौर पर चीजें कही मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने तीस साल से इस मुल्क को लूटा है तीस साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर करके कर बाहर लेके गए हैं ये सब इकट्ठे हो जाएंगे ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरे तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी के इस मुल्क में करप्शन का सामना करें जब तक करप्शन है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और मैंने कहा यह सब इकट्ठे होंगे और मैंने दूसरी बात कही कि जो जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है ये ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं ये ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं यानी कि इनको माफ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहां कानून की बालादस्ती कायम हो ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बने यह नहीं कि सिर्फ बेचारे वो लोग जो मजबूरी में चोरी करते हैं वो जेलों में जाए और बड़े बड़े डाकू उनको एन एनआरओ मिल जाए और वो दंदराते फिर हैं और वो बार बार आके फिर मुल्क को लूटे हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून अगर ताकतवर चोरी करता है तो उसी को उसी तरह उसको उस तरह हो जो आम आदमी का होता है तो ये मैंने कहा कि इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है और ये आज साबित हो रहा है सब इकट्ठे भी हो गए हैं और पूरी तरह ब्लैकमेल पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की माशियत पे इलेक्शन जी गलत हो गया हमने कहा खोल दो इलेक्शन उधर से भी भाग गए माशियत अल्लाह का शुक्र है कि एक वो मुल्क के छोड़ के गए थे जिसका दिवालिया निकला हुआ था Allah का करम है कि वो भी सही तरफ ला गया है उसके बाद कोरोना के ऊपर उन्होंने कोशिश की आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि जिस तरह पाकिस्तान कोरोना से निकला है शायद ही कोई और मुल्क निकला हो फिर फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैकलिस्ट करवाएं उस पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की उसमें भी मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आईएसएफ आईएसआई के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं पहले तो मैं आज अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये आईएसआई आए के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतख किया ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं दूसरी मैं आप सबके लिए अपनी कौम के लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर इस्लाम की तारीख पढ़ें बड़े सगीर में मुसलमानों की तारीख पढ़ें तो मुसलमान बहुत कम जब मुकाबला होता था दुश्मन का और मुसलमानों का डट के मुकाबला करता था मुसलमान लेकिन नुकसान मुसलमानों को तब सबसे ज्यादा पहुंचाया मुसलमानों के मीर जाफर और मीर सादिक ने यह वो गद्दार थे जो अंदर से साजिश करके मुसलमानों को इन्होंने उन कौमों को गुलाम बना दिया सिर्फ जाति फायदों के लिए कुरान शरीफ में मुनाफिक का दर्जा काफर से नीचे रखा हुआ है क्योंकि वो आपका बनने की कोशिश करता है वो अंदर से जड़ें काट देता है जंगे खदनक में जब नबी मक्का के कुफार का मुकाबला कर रहे थे तो उतना ही बड़ा जितना कुफार की फौज थी अंदर मुनाफीन से खतरा था और इसलिए अल्लाह ने कहा था कि इनका दर्जा काफर से नीचे है यह ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर मीर सादक और मीर आज सादिकों को देख रहे हैं ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जो आ, आज नरेंद्र मोदी की जबान बोल रहे हैं दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद अपने आप को कंडक्ट किया मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए और यह आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया जो कि नरेंद्र मोदी ने सारी इलेक्शन कैंपेन की थी उस पर और सारा मकसद इनका मकसद है क्या सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे माफ कर दे मैं आज अपनी सारी कॉम को कहना चाहता हूं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा बल्कि जिस तरह इन्होंने हमारी अदलिया को अटैक किया अदलिया के अंदर भी कोशिश करें कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें जब इनको माफ किया गया हुए पेपर मिल में सुप्रीम कोर्ट ने तो तब अदलिया ठीक थी लेकिन जब इनके खिलाफ पांच मेंबर बैंक का बेंच का फैसला आता है जो आज बाहर भागा हुआ है उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है तो तब अदलिया बुरी है उसी तरह जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है यह सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा यह मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पर जोर लगा रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह का करम है सही तरफ निकल गई है लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे और ये जो ताकतवर इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं इनको कानून के नीचे लेके आए और इनशाला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कामती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है ये सारी काम देखेगी शुक्रिया